मार्च शुरू हो चुका है और इस महीने का पहला त्योहार यानी महाशिवरात्रि 8 तारीख को है। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव शक्ति के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का खास अभिषेक करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी दुखों का नाश होता है। इस बारे में अयोध्या के ज्योतिष नीरज भारद्वाज विस्तार से बता रहे हैं। शिवरात्रि आ रही है 8 मार्च 2024 को। चूंकि शिवरात्रि को भगवान माना जाता है कि भगवान शिव का विवाह इसी दिन माँ पार्वती के साथ हुआ था और शिवरात्रि का विशेष पूजन होता है, लोग व्रत रहते हैं, इसमें शिव जी का पूजन करने के लिए आवश्यक जो भी पदार्थ है भगवान शंकर पे चढ़ाए जाते हैं, उनके अलग अलग फल हैं, किस हिसाब से क्या क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का क्या क्या फल मिलता है वो तो अलग चीज है। शिवरात्रि का व्रत करने से संतान की कामना हो या दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन की कामना हो किसी के लिए सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अच्छा, कैसे सभी बिगड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शिवरात्रि पर विधान तो है ही है, बाकी भगवान शिव पर वैसे भी आप प्रतिदिन जो भी चीज अर्पण करते हैं उसका एक अलग अलग महत्व है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने से व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो शांत होता है, ग्रहों से भी संबंधित सारी चीजें होती है, बिल्वपत्र है, जायफल है, या भगवान शंकर पर काला तिल वगैरह चढ़ाया जाता है, हर उसका फल अलग अलग है। जैसे आप किसी ने देसी घी चढ़ाया तो उसका फल अलग है, किसी ने दही से अभिषेक किया इसका फल अलग है, हर तरीके। मतलब सभी बिगड़े काम को पूरा करने के लिए शिवरात्रि पर क्या करनी चाहिए? शिवरात्रि पर विशेष रूप से अगर आप कर सके तो भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक में दूध का रुद्राभिषेक है, दही का रुद्राभिषेक, उसमें पंचामृत द्वारा स्नान कराया जा सकता है, हर तरीके से जो भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। इसके अलावा इस दिन शमी के पत्ते, हर श्रृंगार के फूल चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी होती है। लोकल एटिन के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खबर में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य से बात कर लिखी गई है। लोकल एटिन बताई गई किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता।